देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कंबस्टन फिनोमेना व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन। कंबस्टन फिनोमेना के लिए, किसी भी चीज को जलने के लिए, तीन नेसेसरी कंडीशंस होती हैं फॉर कंबस्टन। द फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ फ्यूल, द सेकेंड इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड द थर्ड इज इग्निशन टेम्परेचर। ये तीनों ही चीज यदि होती है तभी कंबस्टन फिनोमेना होता है। इन तीनों में से कोई एक भी नहीं हो तो कंबस्टन नहीं होता। सबसे पहले फ्यूल होना चाहिए, फ्यूल के साथ ऑक्सीजन होना चाहिए, और फ्यूल और ऑक्सीजन के साथ वहां पर एक कंबस्ट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द फ्यूल स्टार्ट बर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेपर, जो कागज है, सेल्यूलोस एसीटेट, सेल्यूलोस एसीटेट इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ऊपर, एंड इनफैक्ट दिस अ फ्यूल, एक फ्यूल भी है, जलता है। इस समय फ्यूल है और चारों तरफ ढेर सारी ऑक्सीजन है, मगर यह जल नहीं रहा है। यह जल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इस समय यह इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं है। इस समय इसका जो टेम्परेचर है वह इग्निशन टेम्परेचर से काफी कम। हम कहीं से चिंगारी लाते हैं, फ्लेम लाते हैं और उस फ्लेम को इसके कॉन्टैक्ट में ले आते हैं। फ्लेम जिसका टेम्परेचर होता है जनरली 600, 700 और 1500 के रेंज में, उस फ्लेम के इधर लाने पर इसका इग्निशन टेम्परेचर जो लगभग 450 या 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ्लेम के द्वारा हम इधर इग्निशन टेम्परेचर देते हैं, जैसे ही इग्निशन टेम्परेचर देते हैं वैसे ही जलने लगता है और फिर पूरा का पूरा कागज दे दीजिएगा। हमने जरा से कागज को इग्निशन टेम्परेचर दिया, उससे पूरा कागज जल। हम कहते हैं कंबस्टन के लिए तीनों बातें होनी चाहिए। हम अपना जब बॉम्ब कैलोरीमीटर डिजाइन करेंगे तो इन तीनों बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला, हम वहां पर फ्यूल रखेंगे जिसका हमें एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन डिटरमाइन करना है। दूसरा, हम वहां पर रखेंगे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसी भी कंडीशन में कम नहीं पड़ना चाहिए। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए भरपूर ऑक्सीजन का होना जरूरी है। एंड थर्डली, हम वहां पर इग्निशन टेम्परेचर देने का भी एक प्रोविजन डालेंगे। अब फ्यूल, ऑक्सीजन, इग्निशन टेम्परेचर, इन तीनों को तो हम वहां पर रखेंगे ही साथ साथ में। जब फ्यूल का कंबस्टन होगा तो उस कंबस्टन के दौरान ढेर सारी हीट लिबरेट होगी। हमें उस हीट को ट्रांसपोर्ट करना है और उस हीट को बाहर नहीं जाने देना है। वहीं पर हम कैलोरीमीटर सेटअप रखेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीमेंट नोट करेंगे। कितना टेम्परेचर इंक्रीमेंट हुआ, इससे हम यह कैलकुलेट करेंगे कि वहां कितनी हीट लिबरेट हो रही। सबसे पहले एक क्लोज्ड कंटेनर कॉपर का बना हुआ, यह कॉपर का बना हुआ क्लोज्ड कंटेनर है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई कॉपर? बिकॉज हां बोलो, दैट्स करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉपर हैव गॉट वेरी गुड कंडक्शन प्रॉपर्टीज। It
इट्स वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने से यह बड़ी जल्दी इसके अंदर जो भी हीट रिलीज होगी वो बड़ी जल्दी बाहर ट्रांसपोर्ट कर देगा और रेडिली ट्रांसपोर्ट कर देगा. दूसरी बात, इसका मेल्टिंग पॉइंट इट्स ऑल्सो हाई. मेल्टिंग पॉइंट हाई होने से इसके अंदर कितनी भी हीट लिबरेट हो, इसका कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज हो, यह कॉपर का जो कंटेनर है यह स्वयं कभी भी मेल्ट नहीं होएगा, इसको कोई डैमेज नहीं होएगा. दैट्स व्हाई कैलोरीमीटर बनाने के लिए वी ऑलवेज यूज कॉपर मेटल. कैलोरीमीटर बनाने के लिए हमेशा कॉपर मेटल का ही इस्तेमाल करा जाता है. इसमें We put a vessel here and we put एक इस तरह का सेटअप अब यह क्या सेटअप है जरा देखिए. एस आई टोल्ड यू कंबस्शन के लिए इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है और वहां इग्निशन टेम्परेचर देने के लिए हमने यह सेटअप बनाया है. यह बिल्कुल वैसा का वैसा ही सेटअप है जैसे हम अपने घरों में लाइटर का इस्तेमाल करते. जैसे हमारे घर पे एलपीजी गैस सिलेंडर है, हम वो जो स्टोव है, गैस स्टोव है, सिलेंडर में से गैस एलपीजी गैस बाहर आती है, बर्नर से वो बाहर आती है. पहले हम नॉब को ओपन कर देते हैं. नॉब को ओपन करते से ही एलपीजी गैस बर्नर से बाहर आने लगती है. अब यदि हम सिर्फ नॉब को ओपन कर दें और कुछ भी नहीं करें तो वो एलपीजी गैस कमरे के अंदर फैलेगी. वो जलेगी नहीं, वो फैलेगी सिर्फ. और इस तरह से फैलती हुई एलपीजी गैस काफी खतरनाक हो सकती है. यदि इस तरह से वो ज्यादा फैल गई तो कभी भी कमरे में आग लग सकती है. हम क्या करते हैं, नॉब जैसे ही ओपन करते हैं वैसे ही हम लाइटर के द्वारा उसी समय उसको इग्नाइट कर देते हैं तो एकदम से वो एलपीजी गैस जलने लगती है. भाई चारों तरफ कमरे में, किचन में ऑक्सीजन तो ढेर सारी है, ऑक्सीजन की तो कोई कमी नहीं है, एटमॉस्फेयर में 20% ऑक्सीजन है. एलपीजी गैस बाहर आ रही है और लाइटर से आपने एकदम से उसको इग्नाइट कर दिया और एलपीजी गैस जलने लगी. बिल्कुल इसी तरह से एक लाइटर का सेटअप है. दिस जस्ट लाइक ये, जैसे लाइटर के अंदर कोई बैटरी होती है, उस तरह की बैटरी. और जैसे हम उसको इग्नाइट करने के लिए एक बटन प्रेस करते हैं, उसी तरीके से एक बटन हो गया. जैसे इसको प्रेस करेंगे तो इधर से स्पार्क होएगा, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क, एक चिंगारी निकलेगी. और जब वह इलेक्ट्रिक स्पार्क होएगा, जब वह चिंगारी निकलेगी तो एकदम से इस जगह पर टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में हो जाता है जो कि जनरली इग्निशन टेम्परेचर से काफी ज्यादा होता है. तो यह एक इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए एक सेटअप है. यह वही सेटअप है जो हम घरों में लाइटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं. अब इस जगह पर हम फ्यूल रख देते हैं, जो भी फ्यूल है जिसका हमें एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन डिटरमाइन करना है, वहां फ्यूल रख दिया जाता है. यदि सॉलिड फ्यूल है तो इधर सॉलिड क्रिस्टल्स रख दिए जाएंगे. लिक्विड फ्यूल है तब भी वहां लिक्विड फ्यूल इधर रख दिया जाएगा. और गैसियस फ्यूल है तो वहां इस क्लोज कंटेनर के अंदर गैसियस फ्यूल रख दिया जाएगा. यदि हमें शक्कर का एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन डिटरमाइन करना है तो इधर शक्कर के दाने रख देंगे. यदि हमें ग्लूकोज का एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन डिटरमाइन करना है तो
तो इधर हम ग्लूकोज पाउडर रख देंगे। यदि हमें ग्रेफाइट का, कोयले का एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन डिटरमाइन करना है तो इधर हम कोयला रख देंगे। यदि हमें पेट्रोल का एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन डिटरमाइन करना है तो इधर हम पेट्रोल रख देंगे, केरोसिन रख सकते हैं, मीथेन हाइड्रोजन गैस रखनी है तो इस चैंबर के अंदर रख देंगे। अब इस पूरे सेटअप को हम पानी के बीच में रख देते हैं। दिस इज वाटर। दिस इज द कंप्लीट सेटअप। कुछ बातें जो ध्यान रखना है, जो फ्यूल है, इफ मास ऑफ फ्यूल इज W, मास ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू W ग्राम्स। तो सबसे पहले मास ऑफ फ्यूल के लिए मैं नेसेसरी कंडीशन बता दूं, हमें कभी भी कैलोरीमीटर में ज्यादा फ्यूल नहीं रखना चाहिए। यदि हमने कैलोरीमीटर में ज्यादा फ्यूल रख दिया, इस W ग्राम्स, W यदि आपने ज्यादा ले लिया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कैन यू पॉइंट इट आउट? वन शुड नेवर कीप लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल इन दिस कैलोरीमीटर। अरे बर्न तो करना ही अल्टीमेटली, इनफैक्ट बॉम्ब कैलोरीमीटर बोल रहे हैं हम, मतलब एनीवे वहां पर बम फटने जैसा एनवायरमेंट तो कैलोरीमीटर के अंदर बनना ही है। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बॉम्ब कैलोरीमीटर नाम उसको इसलिए दिया है क्योंकि इसके अंदर हम वह फ्यूल भी कई बार जलाते हैं जिनको इग्नाइट करते से ही एकदम से बर्स्ट होने जैसी सिचुएशन होती है, और इसीलिए हमने कॉपर कैलोरीमीटर लिया है क्योंकि कॉपर मेटल, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा है, यह मेल्ट नहीं होएगा, यह डैमेज नहीं होएगा, और इसके अंदर यह फटा भी और उसके अंदर जितनी भी हीट निकली तो बाहर चली जाएगी, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। दोबारा सोचिए, हमें फ्यूल का मास ज्यादा नहीं लेना चाहिए, हमें फ्यूल लिमिटेड अमाउंट में ही लेना चाहिए। क्यों? हाँ जी, अब यह सही हुआ भाई। यदि हमने ज्यादा फ्यूल ले लिया तो ज्यादा फ्यूल के लिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि वहां पर उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुई तो वहां पर इनकम्प्लीट कंबस्टन होएगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होएगा। इन दैट केस आप एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कंसेप्चुलाइज नहीं कर पाओगे। एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन को कंसेप्चुलाइज करने के लिए फ्यूल शुड गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। फ्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना चाहिए। कंप्लीट ऑक्सीडेशन तभी होएगा जब वहां पर सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी, और सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन करने के लिए या तो आप ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाओ, मगर ऑक्सीजन की आप अनलिमिटेड अमाउंट नहीं बढ़ा सकते बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ कैलोरीमीटर डिवाइस इज लिमिटेड। इस कैलोरीमीटर डिवाइस का वॉल्यूम लिमिटेड है, इसमें ऑक्सीजन लिमिटेड मात्रा में ही आ सकती है। अब यदि आप ऑक्सीजन नहीं बढ़ा सकते हो तो कंप्लीट कंबस्टन के लिए आप क्या करोगे? फ्यूल कम रखोगे। तो जो भी आप फ्यूल ले रहे हो उसे आप बहुत ज्यादा मत लो। यदि आपने पेट्रोल लिया है तो एक ग्राम या आधा ग्राम पेट्रोल सफिशिएंट है। यदि आपने कोयला लिया है तो एक या डेढ़ ग्राम कोयला सफिशिएंट है। यदि आप ग्लूकोज सुक्रोज जला रहे हो तो उसके भी एक या दो ग्राम,
आपने जितना भी फ्यूल लिया है उसको आप एग्जैक्टली वे कर लो, और एग्जैक्टली वे करके आप इस डिवाइस सेटअप के अंदर रख दो। अरे अभी वही तो बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। इनफैक्ट ये जो सारी हीट जो फ्यूल के जलने के दौरान लिबरेट होगी, वो सारी हीट आसपास जो वाटर है उसमें एब्जॉर्ब होगी, और उसके द्वारा वाटर गर्म हो जाएगा, हम इस कैलोरीमीटर सेटअप में इधर एक थर्मामीटर रख देंगे। दिस इज अ थर्मामीटर। इस थर्मामीटर से हम यह ऑब्जर्व करेंगे कि जब यह फ्यूल बर्न हुआ, जब इसका कंबस्शन हुआ, तो इसके कंबस्शन से जो भी हीट लिबरेट हुई वो सारी सारी आसपास के वाटर में, आसपास के कैलोरीमीटर सेटअप में एब्जॉर्ब होगी, और उससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और उस इंक्रीज इन टेम्परेचर को हम मेजर करेंगे, और उसी से हम यह अंदाजा लगाएंगे कि इस डिवाइस में, इस सेटअप में कितनी हीट लिबरेट हो रही है। देखिए कैसे आप यह पूरा सेटअप जमाने के बाद, सबसे पहले हमने मास ऑफ फ्यूल ऑब्जर्व कर लिया, बिल्कुल एक्यूरेटली हमें यह ऑब्जर्व करना होगा। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रिक स्पार्क दें, इलेक्ट्रिक स्पार्क से एकदम से यह फ्यूल जलेगा। वहां पर यदि फ्यूल कोयले जैसा हुआ, फ्यूल शक्कर हुई, या फ्यूल ग्लूकोज हुआ, तो उसका कंबस्शन कोई बहुत विग्रस नहीं होता है, मगर फिर भी बर्न हो जाता है। यदि इधर पेट्रोल जैसा फ्यूल हुआ तो एकदम से वो सिंगारी देते से एकदम से आग पकड़ लेगा, और आग पकड़ते से ही वो जल जाएगा, हीट लिबरेट हो जाएगी। अब वी यूज टू ऑब्जर्व इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइस इन टेम्परेचर, इट्स डेल्टा टी। ये राइस इन टेम्परेचर हमने इस थर्मामीटर से ऑब्जर्व करा। हमने इलेक्ट्रिक स्पार्क देने से पहले इस कैलोरीमीटर सेटअप का टेम्परेचर देख लिया, और फिर जैसे ही इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया, और जैसे ही इधर एक ब्लास्टिंग हुआ, जैसे ही इधर फ्यूल जला, उस जलने के बाद हीट लिबरेट हुई, और वहां हीट लिबरेटेड से आसपास का पानी गर्म हो गया। फिर हम फाइनल टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इनिशियल टेम्परेचर इज 25.7 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमने फाइनली इलेक्ट्रिक स्पार्क देने के बाद टेम्परेचर नोट करा 26.4 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज इलेक्ट्रिक स्पार्क देने से पहले, मतलब कंबस्शन से पहले 25.7 डिग्री सेंटीग्रेड हमने एग्जैक्टली थर्मामीटर में देखा, और इलेक्ट्रिक स्पार्क देने के बाद, मतलब कंबस्शन के बाद, मतलब फ्यूल के जल जाने के बाद, मतलब हीट लिबरेट हो जाने के बाद, उस लिबरेटेड हीट के वाटर में एब्जॉर्ब हो जाने के बाद वहां टेम्परेचर हो गया 26.4। तो हम कहते हैं फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, डेल्टा टी फाइनल माइनस इनिशियल, 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। यह राइस इन टेम्परेचर डेल्टा टी हमने नोट कर लिया। अब हम डेल्टा क्यू दो तरीके से निकाल सकते हैं। डेल्टा क्यू निकालने के लिए दो एक्सप्रेशन, आइदर डेल्टा क्यू वुड बी इक्वल टू हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी। अब जब मुझे बताओ हीट कैपेसिटी किसकी है, ये हीट कैपेसिटी हम किसकी लिख रहे हैं,
यह हीट कैपेसिटी किसकी है? हीट कैपेसिटी इस पूरे कैलोरीमीटर सेटअप की हीट कैपेसिटी है। इस हीट कैपेसिटी में यह पापर का कैलोरीमीटर भी आ गया, इस हीट कैपेसिटी में वाटर भी आ गया। इधर मैं अब लेबलिंग भी करते जाता हूं, दिस इज कॉपर कैलोरीमीटर, हियर वी हैव गॉट वाटर एंड दिस इज वुडन बॉक्स। ये पूरा अलग वुडन बॉक्स है, दिस इज फ्यूल एंड दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक स्पार्क। ये जो हीट कैपेसिटी है पूरे इस सेटअप की है, इस पूरे सेटअप में पूरा कैलोरीमीटर के अंदर का भी सब कुछ आ गया, वाटर भी आ गया। या फिर हम डेल्टा क्यू निकाल सकते हैं, एम एस और मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी। अब हियर वंस अगेन स्पेसिफिक हीट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द होल सेटअप। इधर जो हम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं तो वाटर की स्पेसिफिक हीट की बात नहीं करें। हाँ, यदि वहां मेंशन है कि सिर्फ वहां पर वाटर ही है और कुछ नहीं है तो वाटर चलेगा, मगर इस जगह पर जो हम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं यह स्पेसिफिक हीट पूरे सेटअप की हुई, क्योंकि जब यह फ्यूल जल रहा है तो वहां टेम्परेचर इस कॉपर कैलोरीमीटर का भी इंक्रीज हो रहा है, वहां टेम्परेचर इस वाटर का भी इंक्रीज हो रहा है, वहां जो भी कॉन्टेक्ट में जो जो हीट ले रहा है उन सभी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो पूरे के पूरे सेटअप की ही एवरेज स्पेसिफिक हीट हो गई। अब इस जगह पर जो हमने जो डिटरमाइन करा उसको हम डेल्टा क्यू कह रहे हैं। क्या हम इसको एंथैल्पी कह सकते हैं? क्या हम इसको एंथैल्पी कह सकते हैं? हाँ या ना? क्या हम इसको एंथैल्पी कह सकते हैं? भाई तोड़ दिया लगता है। भाई एक कोई लो जवाब दे दो भाई। मे वी कॉल इट एंथैल्पी ऑफ कंबशन? यस सर, बिकॉज इट इज एट एसिडिटी। हम इस डेल्टा क्यू को एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कभी नहीं कह सकते। मैंने बताया है एंथैल्पी टर्म इज एसोसिएटेड विथ वन मोल ऑफ फ्यूल। जो एंथैल्पी टर्म है वह फ्यूल के एक मोल के साथ में एसोसिएटेड है। एक मोल फ्यूल यदि आप जला रहे होते तो आप एंथैल्पी शब्द का इस्तेमाल करते। क्या आपने इधर एक मोल फ्यूल जलाया है? इस जगह पर आपने डब्ल्यू ग्राम्स फ्यूल लिए हैं, देयर इज नॉट वन मोल। इसे आप एंथैल्पी कभी नहीं कह सकोगे। हां, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा एंथैल्पी डिटरमाइन करा जा सकता है। देखिए हम किस तरह से एंथैल्पी डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले अभी भी ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने करा है, एक्सपेरिमेंट की कंडीशन को बड़े ध्यान से देख लीजिए और मुझे यह बताइए कि यह एक्सपेरिमेंट हमने कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पर करा है या कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पर करा है। यह जो एक्सपेरिमेंट है, यह जो कंबस्टन है, यह जो बर्निंग फिनोमेना है,
this burning phenomena is carried at constant volume condition or constant pressure condition. Constant pressure. कैसे constant pressure दिख रहा है करण, जरा मुझे समझाओ किस तरह से constant pressure दिख रहा है आपको, जरा समझाओ. ये जो कॉपर का क्लोज कंटेनर है यहां, और कॉपर एक रिजिड वेसल है, कॉपर का रिजिड वेसल है, क्लोज वेसल भाई, प्रेशर तो वहां बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, डिपेंड्स कि वहां नंबर ऑफ गैस मोल्स बन रहे हैं या इट्स आइसोकोरिक, इट्स एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कंडीशन. बॉम्ब कैलोरीमीटर के नीचे यह एक स्पेशल बात मैं लिख देता हूं, it's always at constant volume, it's always at constant volume condition. Bomb calorimeter में जो experiment करते हैं वो हमेशा closed container में करते हैं, it's closed always. ये हमेशा एक क्लोज कंटेनर होता है, हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है. अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो डायरेक्टली डिटरमाइन होकर आएगी वो क्या होएगी, डेल्टा एच या डेल्टा ई. डेल्टा एच इज चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा ई इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो डिटरमाइन होती है वो डेल्टा एच या डेल्टा ई. Molecular weight of fuel is capital N grams per mole. Suppose fuel का molecular weight capital N grams है. यह fuel का molecular weight determine करा जा सकता है. क्या आप इसी समय glucose का molecular weight बताओगे कितना है? यदि glucose को हम जला रहे होते तो glucose का molecular weight कितना है? Glucose C6H2O6. इस ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 180. यदि हम ग्लूकोज को जला रहे होते तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट हम कहते हैं 180 ग्राम पर मोल. कैलकुलेट करके देख लीजिए, 6 एटम ऑफ कार्बन, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इनका टोटल वेट ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 180. कहते हैं दिस डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड व्हेन वी बर्नड डब्ल्यू ग्राम्स ऑफ फ्यूल. दिस डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड व्हेन वी बर्नड डब्ल्यू ग्राम्स ऑफ फ्यूल. सो व्हेन वी बर्न 1 gram of fuel, this much amount of heat would be liberated. W gram fuel के जलाने से delta की amount of heat liberate हुई है, वो हमने निकाल ली इस expression से. 1 gram fuel के जलाने से इतनी heat liberate होती. Now, if we would have burnt n grams of fuel, if we would have burnt 1 mole of fuel, then how much heat would be liberated? यदि हम 1 mole fuel burn करते तो कितनी heat liberate होती? Delta Q upon W into M, इतनी heat liberate होती. This is the heat liberated per mole of fuel. एक मोल फ्यूल को जलाने से इतनी हीट लिबरेट होती. अब यह हीट लिबरेट होती इसलिए एक्सोथर्मिक फिनोमेना होता, इसलिए मुझे आगे एडिशनली माइनस साइन लगाना चाहिए.
इधर जो हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज द हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर और दिस इज द हीट एब्जॉर्ब बाय द कैलोरीमीटर. वॉट एवर इज द हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर, दैट इज द हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल. तो फ्यूल के लिए यह कैलोरीमीटर के लिए एंडोथर्मिक फिनोमेना है, मगर फ्यूल के लिए यह एक्सोथर्मिक फिनोमेना है. फ्यूल इतनी हीट लिबरेट कर रहा है, इसलिए इधर माइनस साइन लगा देता हूं. नाउ दिस वुड बी कॉल्ड डेल्टा ई बिकॉज दिस इज हीट रिलीज्ड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कंडीशन. कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पर जो हीट लिबरेट हो रही है उसे हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहते हैं. इस जगह पर बॉम कैलोरीमीटर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पर रखा हुआ है. इट्स अ क्लोज्ड कंटेनर, इट्स अ क्लोज्ड वेसल. इसके क्लोज्ड होने की वजह से इस दौरान जो भी कुछ हीट लिबरेट हो रही है हम उसको एंथैल्पी चेंज नहीं कह सकते हैं, हम उसको चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहेंगे. अब इस चेंज इन इंटरनल एनर्जी की हमने इस तरह से वैल्यू डिटरमाइन कर ली. अब इसके बाद हम एंथैल्पी चेंज डिटरमाइन कर सकते हैं. हम सबसे पहले जो फ्यूल जला रहे हैं उसके लिए रिएक्शन लिखेंगे और उस रिएक्शन के लिए हम डेल्टा एनजी की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यदि हमने ग्लूकोज जलाया है तो ग्लूकोज के लिए पहले हम रिएक्शन लिखेंगे C6H12O6 जो है सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू 6CO2 जो है गैस प्लस 6H2O जो है लिक्विड. हमने मान लीजिए ग्लूकोज जलाया है तो सबसे पहले हम ग्लूकोज की कंबस्शन रिएक्शन लिखेंगे. ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है, 6 कार्बन है इसलिए 6CO2, 12 हाइड्रोजन है इसलिए 6H2O. अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर 6 लिख देता हूं. आई थिंक सही है, कोई गलती तो नहीं करी मैंने? ठीक है. इस केस में अब हम डेल्टा एनजी की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं. डेल्टा एनजी मींस द डिफरेंस इन कोएफिशिएंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. अब डिफरेंस इन कोएफिशिएंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इधर तो जीरो दिख रहा है. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज सॉलिड है, इसका कोएफिशिएंट कंसीडर नहीं करेंगे. ऑक्सीजन गैस है, इसके कोएफिशिएंट को कंसीडर करेंगे. CO2 गैस है, इसके कोएफिशिएंट को कंसीडर करेंगे. वाटर लिक्विड है, इसके भी कोएफिशिएंट को कंसीडर नहीं करेंगे. तो सिर्फ दो के ही कोएफिशिएंट कंसीडर करना है, ऑक्सीजन और CO2, और डेल्टा एनजी की वैल्यू 6-0. हम डेल्टा एनजी की वैल्यू देखेंगे. जैसे ग्लूकोज को मैं हटाता हूं, मैं दूसरा फ्यूल बेंजीन ले लेता हूं. बेंजीन के लिए भी मैंने कंबस्शन लिखा था. बेंजीन मान लीजिए, बेंजीन का हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन डिटरमाइन कर रहे होते तो हमने इधर बेंजीन रखा हुआ होता. इन दैट केस हम बेंजीन की रिएक्शन इस तरह से लिखेंगे. C6H6 लिक्विड प्लस 15/2 O2 गिव्स यू 6CO2 प्लस 5H2. मैंने बेंजीन की कंबस्शन रिएक्शन अभी अभी लिखी थी, वही दोबारा रिपीट कर दिया. बेंजीन विच इज अ लिक्विड C6H6 लिक्विड 15/2 O2 ऑक्सीजन इज अ गैस 15/2 6CO2 इज अ गैस CH2O इज अ लिक्विड. अब डेल्टा एनजी की वैल्यू हम इधर लिख देते हैं, क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड का 6 कोएफिशिएंट कंसीडर करेंगे, वाटर के कोएफिशिएंट को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वाटर लिक्विड है. बेंजीन के कोएफिशिएंट को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि बेंजीन भी लिक्विड है. ऑक्सीजन के कोएफिशिएंट को कंसीडर करेंगे तो 6 -15/2 और -3/2.
इस तरह से हम डेल्टा एनजी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो भी फ्यूल हम जला रहे हैं, जिस भी फ्यूल का हम कंबस्टन कर रहे हैं, उसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखकर उसमें डिफरेंस इन कोएफिशिएंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं। अब हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन वी डिटरमाइन बाय दिस एक्सप्रेशन विच वी हैड ऑलरेडी डिराइव्ड एंड ऑलरेडी कवर्ड इन अवर थियोरी। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा ई की वैल्यू हमने ऊपर ऑलरेडी निकाल रखी है, डेल्टा एन जी की वैल्यू कंबस्टन रिएक्शन लिखकर हमने देख ली और आर टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इन दिस मैनर विद द हेल्प ऑफ बॉम कैलोरीमीटर वी कुड डिटरमाइन एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ एनी फ्यूल। कोई सा भी फ्यूल है जो बर्न होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है, जो जलता है, उसका एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन हम आसानी से डिटरमाइन कर पाते हैं लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वी यूज बॉम कैलोरीमीटर दिस डिवाइस। अब खास बात, हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन जरूर करी है इसके पहले, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मगर उस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर पाते, लेबोरेटरी में उसको डिटरमाइन करने का कोई तरीका नहीं। मगर एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन को लेबोरेटरी में इस तरीके से डिटरमाइन कर पाते हैं, इसीलिए एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन प्रैक्टिकली इट्स मोर यूज्ड कंसेप्ट। प्रैक्टिकली एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन का ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैं एक और बात पूरे बॉम कैलोरीमीटर को सम अप कर देता हूं। पहली बात, बॉम कैलोरीमीटर इट्स अ क्लोज्ड कंटेनर, इट्स अ क्लोज्ड डिवाइस। इन दिस डिवाइस वी ऑलवेज हैव कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। एट दिस कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन जो चीज मेजर होकर आती है, दैट इज हीट ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो भी फ्यूल जिसका भी कंबस्टन करा जा रहा है, जिसका भी हमें एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन डिटरमाइन करना है, उसका वेट एग्जैक्टली रखने से पहले हम मेजर कर लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यह डब्ल्यू दिया हुआ होता है। फ्यूल को जलाने से पहले, फ्यूल को जलाने के बाद टेम्परेचर ऑब्जर्व करा जाता है और कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उस इंक्रीज इन टेम्परेचर को नोट डाउन कर लिया जाता है। हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर या फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, दिस डेटा इज ऑलवेज गिवन टू यू। कैलोरीमीटर सेटअप देते समय, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देते समय, या तो आपको उसकी हीट कैपेसिटी बता दी जाएगी या फिर आपको उसका मास और स्पेसिफिक हीट बता दिया जाएगा। इस हीट कैपेसिटी इनटू टेम्परेचर राइज, दैट इज हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द बर्निंग फिनोमेना। मास ऑफ कैलोरीमीटर इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू राइज इन टेम्परेचर, MS delta T, that is heat release during burning phenomena. Sir, हाँ, थोड़ा अभी भी मिसकंसेप्शन हो गया, मैं दोबारा समझाता हूं। डेल्टा Q is of water, यह फिर वापस थोड़ा गड़बड़ सवाल पूछ लिया, मैं समझाता हूं आपके। यह दोनों एक्सप्रेशन कभी भी अप्लाई नहीं करना होंगे, इनमें से किसी भी प्रॉब्लम में कोई एक एक्सप्रेशन अप्लाई करना होगा। इट डिपेंड्स ऑन द डेटा। या तो प्रॉब्लम में हीट कैपेसिटी दी होगी तो आप यह अप्लाई करोगे, या फिर प्रॉब्लम में स्पेसिफिक हीट दिया हुआ होगा तो आप यह एक्सप्रेशन अप्लाई करोगे। इन दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन अप्लाई करोगे। इस एक्सप्रेशन में एन इज द मास ऑफ कैलोरीमीटर सेटअप, एस इज the average specific heat of the calorimeter setup, and this delta Q is
heat absorbed by a calorimeter setup to raise this temperature. Delta Q is heat absorbed by a calorimeter setup to raise this temperature, or in another terms we may say that this delta Q is heat liberated by the fuel during its combustion. This delta Q is heat liberated by this fuel during its combustion. And whatever heat is liberated by this fuel during its combustion, the same is the heat absorbed by the complete calorimeter setup, by which the complete calorimeter setup is increasing its temperature by delta T. तो इस डेल्टा क्यू को या तो आप यह कह दो कि यह फ्यूल के द्वारा लिबरेटेड हीट है, या फिर डेल्टा क्यू को कह दो कि यह हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर है. दोनों ही एक ही बात, जितनी फ्यूल हीट लिबरेट कर रहा है उतना ही कैलोरीमीटर सेटअप हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. अब नाउ दिस इज द हीट लिबरेटेड बाय डब्ल्यू ग्राम्स ऑफ फ्यूल. W grams of fuel जो heat liberate कर रहा है उसको हम delta Q से denote करेंगे, उसको हम enthalpy कभी नहीं कहेंगे, उसको हम delta E कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि delta H term और delta E term they are associated with the mole of fuel. अब हम delta E और delta H निकालने का प्रयास करते हैं कैसे. If molecular weight of fuel is M, यदि fuel benzene है, यदि फ्यूल बेंजीन है तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा. यदि फ्यूल बेंजीन है तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 78. यदि बेंजीन फ्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट 78 ग्राम्स पर मोल होगा. अब हम कहते हैं दिस डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड व्हेन डब्ल्यू ग्राम ऑफ फ्यूल बर्न्स. व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल बर्न्स, heat liberated would be delta Q upon W. And when 1 mole of fuel burns, means when 1 n grams of fuel burns, so n grams fuel burn hone ke dauran heat liberated would be delta Q upon W into M. This is the heat liberated. Now, since this is the heat liberated by the fuel, hence we will put negative sign. Negative sign simply suggests that heat is liberated. Now, this is heat liberated at constant volume condition. Constant volume condition पर जो heat liberated होती है, उसको हम delta E से denote करते हैं. Change in internal energy. It's heat liberated at constant volume by when 1 mole of fuel burns. यह delta E आ गया. अब हम कहते हैं enthalpy and delta E are related by this expression. हमने पिछले lectures में theory में यह expression भी obtain कर रखा है. Delta S equal to delta E plus delta NG RT. अब delta NG कहां से आएगा? Delta NG reaction को, जो fuel की combustion reaction है, उसको completely हम लिखेंगे, उसमें सारे coefficient देखेंगे, solid, liquid, gas, state, physical state देखेंगे, सॉलिड और लिक्विड के कोएफिशिएंट को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ गैस मॉलिक्यूल्स के कोएफिशिएंट को देखेंगे. सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, उससे हम डेल्टा एनजी नोट कर लेंगे और वहां डेल्टा एनजी की वैल्यू हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे. आर की अप्रोप्रिएट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, टेम्परेचर की अप्रोप्रिएट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इस तरीके से हम एंथाल्पी ऑफ कंबस्टन डिटरमाइन कर लेंगे. That's all regarding enthalpy of combustion. आज के दिन मैं इतना ही समझाता हूं, इसके बाद आगे के कंसेप्ट मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा. अभी मैं ढेर सारे असाइनमेंट देता हूं.